ओम शांति। 7 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा कहते, उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले का सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। दूसरा प्रश्न, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर, यह नेचुरल कैलमिटीज तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाप से एक सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति। और तो सब हैं जीवन बंध में। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है, बस यही मुख्य है। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्कर का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही दो चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हों, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है। होवन हार विनाश के पहले। विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आपे ही सब समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भुला देती है। समय बीतता जाता है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। इनका अर्थ इस समय का ही है।
बाकी थोड़ा समय ही रहा है, स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी, विचार किया जाता है फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं, पीछे जागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी। यह आंखें नहीं, बुद्धि की आंख, छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है। बड़े बड़े बन जाएंगे, साइंस भी कितनी मदद देती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं, बिगर कौड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल छी छी दुनिया है, अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझ थोड़े ही सकते हैं। अभी तुम समझदार बने हो, भल मनुष्य कहते हैं, हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। एक कहानी है ना, शेर आया शेर आया, नहीं मानते थे, एक दिन सब गायें खा गया। तुम भी कहते रहते हो, यह पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही। यह सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है, वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। यह अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं, सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, भल लिखते भी हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं। नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है, तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे, इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हरेक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाएं? पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे, बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों, तो पूछेंगे
यह क्या है? बोलो, इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन्हों को था। कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का खेल है ना? आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है, तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहां तुमको यह चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला, यह है मुख्य। यह बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना? परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा यह ड्रामा का चक्कर है। इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबर वार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक मात पिता, यह है पारलौकिक, जिसका गायन है तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती। दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो, यह मात पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुहिया गुहिया बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि मात पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। यह बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर भल कहाँ भी जाएं। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया है,
ड्रामा का चक्कर रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है टीचर को, और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्से को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं लड़ाई के लिए। कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है। इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंधा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलमिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहां क्रिमिनल आई ही नहीं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुंचे हैं अपने घर के नजदीक। तुम भी घर चल पड़े हो फिर अपने सुख धाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है। अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वह है निराकार दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया। अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑल राउंड। शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑल राउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो। एक जन्म तक भी है,
पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं मुझे, याद करो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे, उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम, यह है दुख धाम। ऊपर से हरेक सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन चार स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं, नंबर वार तो है ना। बच्चे जानते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, बेहद के विश्व की यह माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण, डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म, आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाते हैं। ऊंच ते ऊंच पद मिलता है, सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर है बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल हैं। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती।
ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन, नंबर वन में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।